वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हमारी रेसिपी है बैंगन का भरता। सबसे पहले आपको दो बड़े बैंगन लेना है, उसमें आपको चार कट करने हैं चारों बाजू से, और दो गार्लिक के क्लोव एक कट वीडियो में दिखाए हैं वैसे कीजिए। हर कट के अंदर दो गार्लिक क्लव, इस बैंगन को चारों ओर से 1 ग्रीस करना है, पूरी अच्छी तरह से कीजिए और फिर रोस्ट कीजिए मीडियम फ्लेम में। आपको चारों बाजू से इसे रोस्ट करना है, अच्छा भूनना है उसे। रोस्ट करने के बाद आप इसे बाहर निकालिए, देखिए इसका कवर कितना क्रिस्पी हो गया है। अभी मैं इसे थोड़े से पानी में डालकर इसका ऊपर का कवर निकालूंगी, ताकि आसानी से इसका ऊपर का कवर निकल सके। पूरा कवर निकल जाए तो आप इसे मैश करें अच्छे से। स्मैश बैगन में दो मीडियम साइज चॉप्ड ओनियन डाला है, फिर एक स्प्रिंग का ओनियन स्प्रिंग का बंडल लेके चॉप करके उसमें डाला है, और उसके बाद दो मीडियम साइज टमाटो जो मैंने कट करके डाला है। आप 10 ग्रीन चिल्ली कट करके डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं आपके टेस्ट के हिसाब से। फिर उसमें मैंने 4 चम्मच तेल डाले, उसके बाद 150 ग्राम दही उसी मिक्सचर में ऐड कर दीजिए। एक स्पून नमक, उससे ज़्यादा आपके टेस्ट के हिसाब से। एक स्पून जीरा, छोटा स्पून जीरा लेना, छोटा स्पून हल्दी, से मिक्स मिक्स करने के बाद मैं इसे कवर करके आधा घंटा पकाऊंगी पार्शियली कुक्ड। फिर इसे दम के पतरे में चढ़ाकर फिर इसे 15 मिनट तक उबालने रखूंगी, जब तक इसका तेल ऊपर नहीं आता और सारे भाजी गल नहीं जाते, तब तक आप इसे पकाइए। फिर एक कोयला लेकर
से जलाऊंगी। इसे एक स्टील की बोल में रखकर मिक्सचर के अंदर प्लेस करूंगी और एक चम्मच स्पून तेल का उसके ऊपर डालूंगी ताकि धुआं निकले, उसे इमीडिएट कवर कर लीजिए। एक मिनट तक कवर करना या एक मिनट से पहले, उससे ज़्यादा नहीं। उससे आपको स्मोकी फ्लेवर आएगा और आपका बैगन का भरता तैयार है। आप इसे बाजरे की रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं या तो फिर ऐसा भी खा सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो इस वीडियो को रिलेटेड तो आप कमेंट करके बताइए। थैंक यू।